कारवां टीवी हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका हमारे कारवां टीवी चैनल में और मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी। जैसा कि आपको पता है आज हम नवाबगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक आरोग्य मेले का जो है आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर एम पी आर्या जी, उपजिलाधिकारी जी और वरिष्ठ यहाँ पर जो अधिकारी हैं, सीएससी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो टीबी के मरीज हों, चाहे वो किसी भी तरीके के कोई मरीज हों, यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर हैं और सभी को दवाएं दी गई हैं, उनके मुताबिक दवाएं दी गई हैं जो उसके हकदार हैं, जो उस बीमारी से जूझ रहे हैं। आइए हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं और जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे कि किस किस तरीके का यहाँ पर इलाज होगा और किस किस तरीके की यहाँ पर दवाई दी जाएंगी। आज जो आरोग्य मेला लगाया गया था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, उसके बारे में जानकारी चाहेंगे। देखिए, ये सरकार की तरफ से अभी 75वां जो हमारा आज़ादी दिवस मनाया गया है, उसी के आधार पर बनाए गए हैं स्वास्थ्य मेला जो बनाए गए हैं, सारे ब्लॉकों में करे जा रहे हैं। इसमें क्या है कि जैसे सारी सुविधाएं और अन्य विभाग के भी जो स्टॉल लगाए गए हैं, इसका मकसद सिर्फ यही है कि आपको एक ही छत के नीचे सारे प्रोग्राम्स के बारे में, सारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके और जितनी सुविधाएं यहाँ पे हैं उनके रिलेटेड जो आपकी ट्रीटमेंट वगैरह है वो सारा एक ही जगह मिल सके और आपके जो कार्ड हैं वो बन सके। एक नई इसमें योजना और शुरू हुई है, डिजिटल हेल्थ आईडी। इसके तहत के जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का जितना स्टाफ है सभी की डिजिटल हेल्थ आईडी बनेगी और उनका जो डेटा होगा सारा स्वास्थ्य से रिलेटेड वो सारा उसके ऊपर शो होगा। और उसमें 5 लाख तक की जो कैशलेस सुविधा है ट्रीटमेंट वाली वो भी उसमें मिलेगी। तो सारे जितनी योजनाएं हैं सारी इसमें दर्शाई गई हैं और उसी के तहत आपको जो जनता है उनको सारी योजनाओं का बेनिफिट मिल सके, इसी के उपलक्ष में ये मेले लगाए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए क्या विशेष किया गया है? गर्भवती महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड की सुविधा और साथ में उनकी जांचों की सुविधा, जो कि हमारे यहाँ जैसे कि 9 तारीख को एचआरपी डे मनाया जाता है उसमें सारी सुविधाएँ दी जाती हैं, वो सारी सुविधाएँ यहाँ पर दी जाती हैं। क्या थी नाम? प्रवेश कुमारी। ये 6 महीना पूर्ण होने के बाद बच्चे का अंतरासन किया जाता है आंगनवाड़ी केंद्र पर, जो खीर द्वारा मतलब या कोई चीज़ जैसे जो चीज़ 6 महीने के बाद जो बच्चे को खिलाई जाती है उसके बारे में हम इससे समझाएंगे और बता मतलब खिलाएंगे और वो चीज़ पौष्टिक चीज़ें उनको बच्चों को बताएंगे। दिया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है। नाम और पदनाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम नम्रता सोनकर है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री नवाबगंज से। इस टाइम देश में कुपोषण बहुत गंभीर समस्या है सर, तो हमें शुरू से ही जब एक महिला गर्भवती होती है उस टाइम से ही उसको पोषित करने का प्रयास शुरू करते हैं। इसलिए हम महिलाओं को अपने यहाँ समय समय पर महिला मंडल का आयोजन करके उनको सलाह देते हैं कि आपको अपने खान पान में हरी पत्तेदार सब्जियाँ और एक फल और गुड़ चना, अपने खाने में दूध वगैरह लेना चाहिए, जिससे कि अगर तुम पोषित रहोगी तो तुम्हारा होने वाला बच्चा भी स्वस्थ होगा जो कि कुपोषित नहीं होगा, यदि और खून की कमी नहीं होगी। और यदि कोई महिला कुपोषित होती है तो उसके बच्चे तो कुपोषित हो नहीं होना है, इसलिए हम लोगों को गर्भवती महिलाओं के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं। खाने पीने का उनको पूरा 9 महीने तक फॉलो करते हैं, फिर बच्चे के जन्म के बाद बताते हैं कि तुरंत माँ का दूध देना है, माँ के दूध के अलावा हमें कुछ भी नहीं देना है। और फिर जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है उसका अन्न प्राशन करके उसी माँ को सलाह दी जाती है कि आपको अपने बच्चे को दिन भर में 4 टाइम क्या क्या डाइट देनी है, कैसा खाना देना है। जैसे हम दलिया आंगनवाड़ी से देते हैं तो आपको दलिया देना है, खिचड़ी देनी है मूंग की दाल की, केले को मसल के देना है, सेब को उबाल के देना है, कि आप इससे 2 साल तक अगर अपने बच्चे का डाइट प्लान लेके चलेंगे तो बच्चा कभी भी कुपोषित नहीं होगा। थैंक यू। सी एच ओ मेरा नाम प्रदीप है, मैं सी एच ओ हूँ, हाफिजगंज में पोस्टेड हूँ। और जो ये मेरा काउंटर है ये है टेली मेडिसिन का। टेली मेडिसिन का जो मतलब है
कि कोई इमरजेंसी वाला कोई मरीज, जैसे कोई दिल का मरीज है और उसको दिल के लिए अब दिखाने की आवश्यकता है, लेकिन वो यहाँ से बरेली जाएगा, उसका खर्चा होगा, या उसे लखनऊ जाना पड़ता है, उसमें उसका खर्चा होना है, उन सब चीज़ों से उसको बचा के मोदी जी ने एक ऐसा प्रोग्राम चलाया है जिसमें हम उसे यहीं बैठे बैठे लखनऊ में या एम्स में बैठे हुए डॉक्टर से डायरेक्ट मरीज की यहाँ पे बैठे बैठे बात करवा देंगे। डॉक्टर उसे देख लेगा, उसकी जो जाँचें होनी है वो बता देगा, यहाँ पे हम उसकी जाँचें करवा देंगे, जाँचों को हम स्कैन करके डॉक्टर को भेज देंगे, डॉक्टर उनको देख के उसके अनुसार उसको दवाई और इलाज प्रिस्क्राइब कर देगा। अब उसके आगे भी अगर उसको रेफ़र करने की ज़रूरत है तो उसके लिए फिर हम उसको फर्दर एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाएंगे, लेकिन अगर उसको इलाज से ही ठीक किया जा सकता है तो हम उसको यहीं से जो मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है हम उसको यहाँ दे देंगे, उसे यहाँ से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे उसको KGMU एम्स जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में बैठे हुए स्पेशलिस्ट, केवल दिल के ही नहीं सभी तरीके के स्पेशलिस्ट से डायरेक्ट बात करवाई जा सकती है। ये है टेली मेडिसिन, नहीं पड़ेगी एम्स KGMU जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रोग्राम अब पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है और शुरुआत मोदी जी ने गांव से करी है, यानी कि शहरों में तो जो हो चल रहा था वो चल रहा था, लेकिन इसका जो मकसद है CSC, ये हम जहां बैठे हैं ये CSC है, ऐसी ही इसकी 4 PSCs अलग अलग हैं, अलग अलग जो जैसे हाफिजगंज है और आपका ये हररपुर है, आपका कल्याणपुर है, ऐसी इसकी अलग अलग PSCs है, उनमें भी सब सेंटर है। मेरा जो क्षेत्र है वो हाफिजगंज है, तो मेरे क्षेत्र में हाफिजगंज में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, हम वहाँ पे भी बैठ के टेली मेडिसिन कर सकते हैं। तो ये जो है शुरुआत ही गांव से करी है, गांव के लिए ये सुविधा उपलब्ध करी है कि उसे गांव से शहर ना भागना पड़े, उसके गांव में ही उसको एक बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट मिल जाएगा। सचमुच ये बहुत अच्छा सराहनीय काम है, सचमुच अगर आदमी इसको समझे तो सचमुच ये सराहनीय है। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।